होते हैं जो हमारे जीवन का आधार है, जिनकी छाया में हमारा जीवन संवरता है, जो निस्वार्थ भावना की मूर्त होते हैं, जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे जन्मदाता की, हमारे माता पिता की। दिशा प्रदान करते हैं, बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाते हैं एवं देश के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे शिक्षकों की, हमारे गुरुजनों की। गुरु ब्रह्मा, और गुरु का स्थान बच्चों के जीवन में सर्वोपरि है, लेकिन हम में से कितने बच्चे हैं जो उनकी भावनाओं को समझते हैं? चलिए आज मैं आपको ले चलती हूँ वहाँ, जहाँ एक गुरु अपने मन की बात हमारे समक्ष व्यक्त कर रहे हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके एक या दो बच्चे हैं और कभी कभार आप उनकी शरारतों पर झल्ला कर उन पर हाथ उठा देते हैं, तो जरा सोचिएगा कि एक शिक्षक इतने सारे बच्चों को कैसे संभालता है। आप खुद टीवी या मोबाइल में व्यस्त हैं, आपका बच्चा आपके पास आता है, आप उस अधखिले फूल को छिड़क देते हैं, जाओ भागो पढ़ाई करो। जरा मन को शांत करके विचारिएगा कि एक शिक्षक किस तरह अलग अलग बुद्धि वाले और अलग अलग अभिरुचि वाले बच्चों को 45 मिनट तक एक सूत्र में बांध के रखता है अपनी कक्षा में। आपका बच्चा दिन भर गेम खेलता है, घर पर पढ़ता नहीं है, इसकी भी शिकायत आप शिक्षक से करते हैं। क्या करें, हमारा मुन्ना तो हमारी बात ही नहीं सुनता, जरा डराइए इसे। अरे भाई, बच्चे को डराना है तो उसे किसी बाघ के सामने ले जाओ। आप ग्रूर गम्मा टाइप की बातें करते हैं, पर कुछ पेरेंट्स भगवान तो छोड़िए शिक्षक को इंसान तक नहीं मानते। वे ये मानने को तैयार ही नहीं कि एक शिक्षक का व्यक्तिगत जीवन भी होता है, उसकी भावनाएं होती हैं, उसकी सीमाएं होती हैं। आपका बच्चा वो बच्चा जिसके लिए आपने मंदिरों और अस्पतालों के जाने कितने चक्कर काटे होंगे। अगर एक ही चीज 3 या 4 बार पूछ ले तो आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। आप जरा सोचिए कि एक शिक्षक किस धैर्य के साथ बताता है कि 3 जमा 1 और 1 जमा 3 दोनों बराबर होते हैं, भले ही ये एक दूसरे के विपरीत नजर आते हैं। सभी शिक्षक बंधुओं को समर्पित एवं सभी सम्मानित अभिभावकों को चिंतन करने हेतु प्रेरित होगा। हमने इस नृत्य नाटिका के माध्यम से आपको यह समझाने का प्रयास किया है कि विद्यार्थी जीवन में माता पिता और गुरु का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यार्थी जीवन के सफल संतुलन हेतु जीवन रूपी तराजू के एक पलड़े में माता पिता हैं, तो दूसरे में गुरु। इसीलिए प्रत्येक बालक के उज्जवल भविष्य हेतु गुरु और माता पिता का योगदान आवश्यक है।